अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। तो भाई, फिनलैंड के हालात अभी भी सफ़ेद सफ़ेद चल रहे हैं। थोड़े दिन ये बर्फ़ थम जाती है तो हमारा दिल खुश हो जाता है कि यार चलो अब जो है ना सर्दियां जा रही हैं और हम गर्मियों की तरफ वापस आ रहे हैं। बट ये कि फिर थोड़े 4-5 दिन बाद फिर ये बर्फ़ पड़ना शुरू हो जाती है। अभी भी बर्फ़ पड़ी, आप लोगों को शायद नज़र नहीं आ रही, बट मेरे पीछे आप देख सकते हैं कितना सफ़ेद हो रहा है। मैं कल शाम से ये बर्फ़बारी शुरू हो गई थी। हम तो खुश हो रहे थे कि यार सर गर्मियाँ आ रही हैं, गर्मियाँ आ रही हैं, बर्फ़ जा रही है, बर्फ़ चली गई है, यही सोच आती थी कि चलो अब सुकून सुकून होगा। बट ये कि अब दोबारा से ये जो है ना पूरा सफ़ेद हो गया है और अभी भी मुसलसल बर्फ़ पड़े जा रही है। आज बुध का दिन है और सर्दी और ठंड अपने जैसे की तैसी है, वैसे जैसे पहले थी वैसे ही अभी दोबारा हो गई है और बर्फ़ दोबारा से वैसे ही वैसी पड़ रही है। तो खैर भाई, आज मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ काम से, क्योंकि आज मैं थोड़ा सा थक गया था, तो इस वजह से मैंने सोचा चलो आज थोड़ा लेट काम शुरू करते हैं। पर यह कि आज एक आज का व्लॉग एक एडवाइस होगी। एडवाइस कुछ इस तरह से है कि मैं कुछ बहुत सारे लोगों को नोट कर रहा हूँ एक चीज़ करते हुए, मतलब वो आते हैं इस वीज़ा के ऊपर, वो मैं डिस्कस करूँगा आप लोगों से इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अभी मैं तैयार हो जाऊँ, ज़रा काम पर पहुँच जाऊँ, फिर मैं आप लोगों को बताऊँगा वो क्या एडवाइस है। उस एडवाइस को ज़रूर मानिएगा, आप लोगों के लिए आसानियाँ होंगी। तो खैर ये बात मैं वहाँ जाके करूँगा आप लोगों से। अभी तो बस मैं तैयार हो जाऊँ, ज़रा मैं अभी उठाऊँ, नाश्ता वाश्ता किया है, नहा धो के मैं तैयार होकर निकलता हूँ और फिर इंशाल्लाह इस ब्लॉग को वहाँ जाके कंटिन्यू करते हैं। ओके भाई, तो मैं हो गया हूँ तैयार नहा धो के और ये हमारे पीछे TV पर चल रहे हैं आसिया के व्लॉग्स और अभी बस मैं निकलने वाला हूँ। कल मैं लेके आया था ये व्लॉग्स, यूं चल रहे हैं ये भी बता दे, लोगों ने अपने व्लॉग्स बहुत ही देख रहे हैं। हमें घर की याद आ रही थी तो आसिया के व्लॉग्स में हम घर की चीज़ों को बहुत देख रहे थे, बच्चे वगैरह सारे, कल रात से हम यही देख रहे हैं। तो बस वो अच्छा लगता है, एक ऐसे घर में चल रहे होते हैं, सबकी आवाज़ें आ रही होती हैं ऐसे, तो ज़रा दिल अच्छा हो जाता है। तो कल मैं लेके आया था ये दिखता धारे धनिए की तरह है बट हरा धनिया बिल्कुल नहीं है, ना ये उसके जैसा स्मेल कर रहा है, ना ये उसके जैसा टेस्ट कर रहा है। अब ये क्या चीज़ है अगर किसी को पता हो तो कमेंट में बताना कि भाई ये बिल्कुल हरा धनिया है बट इसमें हरे धनिया जैसी कोई देखते ही बताया था कि जैसी कोई क्वालिटी नहीं है, उसमें खुशबू नहीं थी इसलिए तुमने बताया था ना। नहीं, इसके पत्ते थोड़े से डिफरेंट है उसके पत्ते, कोई नहीं बिल्कुल सेम ही है ऐसे। ये देखें आप लोग, देख के बताएं, ये देखें, ये बिल्कुल हरे धनिया का पत्ता ही होता है ना, ऐसा ही है, ऐसे ही होता है ना हरा धनिया का पत्ता। तो अब मुझे ये वापस कराने जाना, 1.5 यूरो का मैंने लिया था। अगर उसने वापस कर लिया तो हम उसको एक्सचेंज करा के नया ले लेंगे, अगर नहीं किया तो उसको कहीं फेंक दूंगा। क्यों, क्या करोगी इसका? खैर अभी मैं चलता है, अभी मैं चलता हूँ वहाँ काम पे इंशाल्लाह, फिर वहाँ जाके आपसे मुलाकात होती है। ओके भाई, तो मैं आ गया हूँ इस वक्त अपने काम वाली जगह पे। अच्छा, तो बेसिकली जो एडवाइस मैंने आप लोगों को देनी थी यहाँ पे, तो ये उन लोगों के लिए है जो फिनलैंड आने का प्लान कर रहे हैं विद स्पाउस, ठीक है, अपनी फैमिली के साथ। मैंने यहाँ पे बहुत सारे लोगों से मिला हूँ, मैं तकरीबन रोज़ ही तकरीबन नए नए लोगों से मिलता हूँ भाई, इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, यहाँ से मल्टीपल नेशनैलिटीज़ के लोगों से मेरे, और बड़ी अच्छी दोस्ती है, सलाम दुआ है, सबसे अच्छी बातचीत होती है। तो जो बेसिकली आज व्लॉग बनाने का मकसद था, वो जो एडवाइस थी वो ये थी भाई कि मैं कुछ लोगों से यहाँ पे ऐसे भी मिला हूँ जिन्होंने एक गलती की है। अब मैं आपको बताता हूँ वो गलती क्या है। फिनलैंड जैसे सबको पता है स्पाउस वीज़ा देता है, फॉर एग्जांपल अगर आपकी वाइफ स्टूडेंट हैं तो हस्बैंड को स्पाउस वीज़ा मिल जाता है, हस्बैंड स्टूडेंट है तो वाइफ को भी स्पाउस वीज़ा मिलता है और आप ऐसा फैमिली यहाँ पर आ जाते हो फिनलैंड में। मैंने यहाँ पर बहुत सारे लोगों को एक गलती करते हुए देखा है कि वो खुद स्टूडेंट बन जाते हैं, मतलब लड़के स्टूडेंट बनके वाइफ को एज अ अपना स्पाउस लेके आ जाते हैं। तो भाई मेरी नज़र में ये सबसे बड़ी गलती है फिनलैंड में इस वक्त, फिनलैंड के हालात को देखते हुए, ठीक है। खुदारा खुदारा ये गलती ना करें कि आप खुद स्टूडेंट बन रहे हैं, मतलब लड़कों से मैं मुखातिब हूँ कि आप खुद स्टूडेंट बन रहे हैं और अपनी वाइफ को जो है वो आप स्पाउस वीज़ा पर लेके आ रहे हैं। नहीं, आप अपनी वाइफ को स्टूडेंट बनाएं और आप जो है वो खुद जो है
एज ए स्पाउस वीज़ा पे आए, उसकी वजह यह है कि जब आप लड़के जब स्पाउस वीज़ा पे आते हैं तो ओपन वर्क परमिट पे आते हैं। ओपन वर्क परमिट का मतलब है वो कुछ भी कर सकते हैं, उनके ऊपर कोई लिमिटेशंस नहीं होती, कोई वर्किंग आवर की लिमिटेशन नहीं होती, तो वो आराम से अपना काम वगैरह कर सकते हैं यहाँ पे। अब ज़ाहिर ही बात है, देखें फिनलैंड का वेदर है, हार्श है, लड़कियाँ शायद उस तरह से काम नहीं कर पाएँ यहाँ पर, तो लड़के वगैरह कर लेते हैं यहाँ पर। दूसरी चीज़ जो मैं ये चीज़ बताने के लिए मकसद जो है, बेसिकली मैंने यहाँ पे बहुत सारे लोगों को देखा है कि अब वो बेचारे काम भी कर रहे हैं और उनको साथ पढ़ना भी है। साथ में ज़ाहिर बात है जब आप किसी अपनी वाइफ के साथ आते हैं तो आप शेयर्ड स्टूडियो अपार्टमेंट्स वगैरह में नहीं रह सकते किसी लड़के के साथ या किसी, तो आपको सेपरेट एक घर चाहिए होता है, उसका किराया तकरीबन 700-800 यूरो है, ठीक है। तो वो अब आप काम भी कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, क्लासेस लेने दूसरे शहर में जा रहे हैं, अगर आप हेलसिंकी के नहीं हैं तो वहाँ से आ रहे हैं, फिर वहाँ से आप यहाँ पे, उसमें आपका काम का खर्च होता है, नुकसान होता है, फिर आप यहाँ आते हैं, फिर तो जो थोड़ा बहुत काम मिल रहा है वो, तो उस तरह से आप अपना 100% नहीं दे पाते चाहते हुए भी। तो मेरी बड़ी एक सिंसियर एडवाइस सबके साथ है, उन सारे लोगों के साथ जो ये सोच रहे हैं कि यार वो अपने अब खुद स्टूडेंट बन के आ जाएँ और वाइफ को जो है वो अपने साथ लेके आए, तो ये कभी नहीं करिएगा। आप अपनी वाइफ को एडमिशन दिलाएं, अपनी वाइफ को एडमिशन दिलाएं और ख़ुद उनके साथ एज ए स्पाउस आएँ, खुद आप फिर जी भर के काम करें, कोई रोक टोक नहीं है आप लोगों के ऊपर। ओपन वर्क परमिट होगा, जिस तरह से चाहे दिन में 10 घंटे काम करें, 12 घंटे काम करें, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। बट जब आप स्टूडेंट बन के आएंगे तो एक तो आपके वर्किंग आवर्स लिमिटेड हो जाएंगे, ठीक है, फिर उसके बाद आपका ये होगा कि आपने पढ़ना भी है और आपने ही काम करना है, और जो वो वाइफ आपकी आई है वो तो बेचारी घर पे ही बैठेगी, अगर क्योंकि अभी यहाँ ऐसा नहीं है कि आपकी वाइफ आई और कल आप जॉब पे लग गई हो कहीं पे कहीं काम वाम पे, तो ऐसा नहीं है, टाइम बहुत लगता है, इवन लड़कियों के लिए भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो कोशिश करें, जो भी मेरे भाई फिनलैंड आ रहे हैं किसी भी कंट्री से, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से, अपनी वाइफ को स्टूडेंट बनाना है और आपने स्टूडेंट नहीं बनना है, आपने ओपन वर्क वीज़ा पे आना है एज ए स्पाउस वीज़ा पे, ठीक है। तो ये मेरी एक सिंसियर एडवाइस है सब लोगों के साथ जो भी यहाँ आने का ट्राई कर रहे हैं या जिनका प्लान है, तो ये बेवकूफ़ी मैं इसको कहूँगा कि ना कीजिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे लोगों को, बेचारों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में देखा है, सिर्फ इसीलिए कि अब वो बेचारे, मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, वो उनकी वाइफ घर पर बैठी हुई है और वो बेचारे यहाँ पर वोल्ट कर रहे हैं, डिलीवरीज कर रहे हैं या जॉब, वैसे पार्ट टाइम के अंदर तो फिर वो पार्ट टाइम वर्कर हो जाते हैं, वो फुल टाइम वर्कर रहते ही नहीं। अब वो पार्ट टाइम में उन्होंने अपना भी खर्चा पूरा करना है, यूनिवर्सिटी की फ़ीस भी देनी है, फिर वाइफ के खर्चे भी हैं, घर का अलग खर्चा है, खाना पीना है दो बंदों का, तो जाहिर ही बात है ये सारी चीज़ें डबल अप हो जाती हैं। ओहो एक मिनट, ओके। तो मेरी यही एडवाइस थी आज आप लोगों के लिए, ये छोटी सी एक ब्लॉग मैं इसीलिए बना रहा था कि मैं आप लोगों को ये चीज़ बता सकूं कि भाई ये बेवकूफ़ी कोई ना करे, ठीक है, कि बस फिनलैंड आने के चक्कर में खुद ही स्टूडेंट बन जाओ कि यार वहाँ जाके कर लेंगे, हो जाएगा, नहीं नहीं होगा, मैं सिंसियरली बता रहा हूँ नहीं होगा। और आपकी फीसेस अगले साल की छः, मैं देख रहा हूँ आजकल लोगों के कुछ ग्रुप्स के ऊपर के लोगों की वन ईयर की फ़ीस 10-10 हज़ार यूरो, 12-12 हज़ार यूरो, नहीं मैनेजेबल भाई, मैनेज नहीं कर सकते आप अगर आप वाइफ के साथ खुद स्टूडेंट बन के आ रहे हो, वाइफ को भी ला रहे हो और साथ में आप ये छोटा मोटा जो काम मिल रहा है वो कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि मैं एक साल में 12-13 हज़ार यूरो निकाल लूँगा, 10 हज़ार यूरो निकाल लूँगा, भाई नहीं। देखें आगे का किसी को नहीं पता, मैंने जो नोटिस किया है या मैं जो अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ वो नहीं होता, ठीक है। तो कोशिश भाई यही करनी है आपने कि आप अपनी वाइफ को स्टूडेंट बनाएँ और खुद आप उनके साथ वर्क परमिट पर आएँगे, वाइफ ओपन वर्क परमिट होगा आपका, आप कोई भी काम आके यहाँ पे कर सकते हैं, जिसमें ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको काम मिल जाएगा इंशाल्लाह, क्योंकि आप वर्क परमिट पे होंगे और ओपन होंगे, ठीक है ना, आपको कोई लिमिटेशन नहीं होगी। तो आज की मेरी एडवाइस भाई यही थी आप लोगों से, गुजारिश है मेरी, इल्तिजा है कि ये ना करें। मैंने बहुत सारे लोगों को, बेचारों को बहुत परेशान देखा है और जिनसे मेरी बातचीत होती है, कुछ उनमें से कुछ ने बेचारों ने ये गलती कर ली, तो मैं अब आप लोगों को यही समझाऊँगा कि ये चीज़ ना करें और अपनी मतलब जब आएँ तो इस तरह से आएँ कि प्रॉपरली आप सब कुछ यहाँ पे मैनेज कर सकें। तो आज का व्लॉग फिर मैं यहीं ख़त्म करूँगा और इसी बात के साथ, और इंशाल्लाह अगले व्लॉग में फिर आप लोगों से किसी अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ मुलाकात होगी। अभी मैं काम स्टार्ट करूँगा, अभी सुबह है, आज मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, बट ये है कि खुद ही लेट हुआ हूँ क्योंकि मैं आज थोड़ा सा वो जो है मेरा समझे जिसम दर्द कर रहा था, तो मैंने थोड़ा सा आज एक घंटा लेट हो गया मैं काम से, बट ये है कि
मैं पहुंच गया हूं, अब मैं काम स्टार्ट करूंगा, मेरा दिन का आगाज़ होगा इंशाल्लाह। फिर मुलाकात होगी आप लोगों के साथ किसी नए व्लॉग में, अच्छी सी इन्फॉर्मेशन के साथ जो आप लोगों के काम आ सके। और मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, और कोई और किसी भी चीज़ में क्यूरीज हो, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, मेरे से कमेंट करके आप बात कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम के थ्रू बहुत सारे लोग मुझसे कर रहे हैं, तो वो अपना फ़ीडबैक दे सकते हैं। फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होती है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।